हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस, जो बिल्कुल ही न्यू चैनल को किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं, उस चैनल पे जो वीडियो आप अपलोड करते हैं तो उस वीडियो को बहुत ही जल्द से जल्द आप कैसे व्यूज बढ़ा सकते हैं और बहुत से जल्द से जल्द उस वीडियो को कैसे वायरल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट 6 सेटिंग के बारे में गाइस आपको हम बताने वाले हैं। उस सेटिंग को अगर गाइस आप अपने चैनल पे कंप्लीटली सेट कर लेते हैं, यानी कर लेते हैं, 110% है गाइस जो आपके चैनल पे बहुत ही जल्दी व्यूज बढ़ जाएगी और आपके वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल हो सकती है। गाइस, बहुत ऐसे वीडियो आप देखते होंगे, बहुत वीडियो आप देखे होंगे अभी तक गाइस, और देखते होंगे बहुत ऐसे क्रिएटर हैं गाइस जिनका वीडियो अभी अपलोड किए हो, ठीक है, और 2 घंटा बाद देखते हैं तो उस पर काफी ज्यादा व्यूज आ गए रहती है। कारण क्या है? और 3-4 दिन 5 दिन के बाद वायरल भी हो जाते हैं। कारण क्या है गाइस? यही एक सीक्रेट सेटिंग है गाइस जो हर एक क्रिएटर करके रखे हैं, ठीक है। इस सीक्रेट सेटिंग 6 सेटिंग को अगर आप कर लेते हैं गाइस तो 100% है तो आपके भी वीडियो पर बहुत जल्दी व्यूज बढ़ जाएगी और वायरल होने की संभावना बन जाएगी। आपको ज्यादा दिन वेट करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी तब गाइस। इसलिए इस वीडियो को आपको क्या करना होगा, कंप्लीट देखना होगा अगर इस सीक्रेट सेटिंग को आप जानना चाहते हैं और अपने चैनल पर करना चाहते हैं तो गाइस कंप्लीट देखिए इस वीडियो को। तो गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन करके ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे गाइस इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज राज, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल राज ऑफ सेटिंग्स। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में देखते हैं जो कौन ऐसा 6 सेटिंग है गाइस जिस सेटिंग को करने से गाइस आपके चैनल पर बहुत ही जल्दी व्यूज बढ़ जाएंगे और आपके चैनल बहुत ही जल्दी वायरल होने की संभावना बन जाएगी। तो चलिए गाइस देखते हैं इस वीडियो को। तो चलिए गाइस यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको करना क्या होगा, क्रोम ब्राउजर सबसे पहले ओपन कर लेना होगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए गाइस कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से गाइस आप सर्च कर सकते हैं www.youtube.com, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर YouTube लोगो पे भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम YouTube लोगो पे ही क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर गाइस ऊपर में देख सकते हैं आप 3 बिंदु दिखेगा, ठीक है, ये 3 बिंदी पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डेस्कटॉप साइड वर्जन में आपका फ़ोन सेट कर लेना है, ठीक है। डेस्कटॉप साइड वर्जन पर क्लिक करने के बाद फोन जो है डेस्कटॉप साइड वर्जन में जो यहाँ पे खुल के आ जाएगा, जैसे देख सकते हैं अभी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा चैनल का लोगो, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस ऊपर में आपको दिख जाएगा योर चैनल, ठीक है, इस योर चैनल पर आपको क्लिक करना होगा। योर चैनल पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपका चैनल खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना होगा। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आपको क्या होगा, YT स्टूडियो जो है सो खुल जाएगी आपके क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर देख गाइस खुल चुकी है, ठीक है। यहीं से गाइस सेटिंग स्टार्ट हो जाता है। अब गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग हम एक करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसे जूम करेंगे और जूम करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए इस सेटिंग पर आपको क्लिक करना होगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए गाइस आपको 6 सेटिंग यहाँ पर दिख जाएगा, है ना गाइस, ये 6 सेटिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आपको जो जनरल है, ठीक है, इस पर आपको जैसे अभी है US, ये इसे करके ये बस आपको यही रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, चैनल पे क्लिक करना होगा, ठीक है। ये अभी गाइस फर्स्ट सेटिंग बता रहे हैं, चैनल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखा यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्टेंट सेटिंग गाइस यहाँ पे ए है, यहाँ पे देखिए कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर जो गाइस हम कीवर्ड ऐड किए हैं अपने चैनल का, ठीक, हमारे चैनल का जो नेम है उसका कीवर्ड यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी अपने चैनल का कीवर्ड यहाँ पे पहले ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे चैनल का नाम है गाइस राज्य ऑफिशियल ट्रिक्स, है ना गाइस। यहाँ पे देखिए राज्य ऑफिशियल ट्रिक्स, उसके बाद ऑफिशियल ट्रिक्स, उसके बाद राज्य ऑफिशियल ट्रिक्स चिपका के लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्निकल वीडियो, ऑफिशियल टिप्स, राज्य ऑफिशियल टिप्स, टिप्स, है ना गाइस, ट्रिक्स। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से गाइस क्या करना है, आपको भी अपने चैनल का कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कीवर्ड ऐड करने के बाद होगा क्या गाइस, आपके चैनल सर्च लिस्ट में सबसे पहले आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस बढ़ते हैं सेकंड सेटिंग के बारे में, ठीक है। तो सेकंड सेटिंग के लिए गाइस यहाँ पर देखिए
फीचर इजिबिलिटी है ना गाइज, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपको तीन ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेगा सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा वीडियो ओवर 15 मिनट्स, उसके बाद कस्टम थंबनेल्स, उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग, उसके बाद एंड कंटेंट आईडी, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आपको ये क्या करना होगा, क्लिक करना होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देगा आपको दिख जाएगा वेरीफाई योर फोन नंबर, है ना गाइस। यहाँ से आपको क्या करना होगा, अपना फोन नंबर से अपने यूट्यूब चैनल को क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने से गाइस यहाँ पे चार फायदे आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप वीडियो लॉन्गर, मतलब वीडियो आप 15 मिनट से ज्यादा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद अपने वीडियो पे थंबनेल लगा सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है सो अगर वेरीफाई कर लेते हैं तो कर हो जाएगा, ठीक है, चालू हो जाएगा, नहीं तो आपको नहीं होता। वेरीफाई कैसे करेंगे गाइस, तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई फोन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप लर्न मोर है ना गाइस, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो वेरीफाई होने के लिए आ जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेगा, इसलिए यहाँ पर हमारे फ़ोन में इस तरह से आ रहा है क्योंकि हम जो है अपने मोबाइल नंबर से अपने चैनल का वेरीफाई कर लिए हैं गाइस, ठीक है। अगर आपको जो है सर मोबाइल नंबर वेरीफाई किया हुआ नहीं होगा तो इसमें वीडियो पहले से बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा जो चैनल वेरीफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इस सेटिंग का आप ऑन कर लीजिएगा, ये हुआ गाइस क्या सेकेंड सेटिंग। अब गाइस यहां से हमारा सेटिंग हो चुका है, ठीक है। अब यहां से हम बैक चलेंगे, यहां पे आप क्लिक करना होगा, यहां पे देखिए अपलोड डिफॉल्ट, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको यहां पे दिखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो गाइस आपको यहां पे करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में जैसे देखिए गाइस आप जब अपने वीडियो अपलोड करते हैं तो उस समय आप बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में आप देखते होंगे बहुत चीज़ें लिखा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले से यहाँ पर लिख के जो है यहाँ पर सेव कर लिए हैं, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आ जाना है, और जो भी आप अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं ये आपको पहले से यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सेव कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, और उसके बाद जब भी आप वीडियो अपलोड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके डिस्क्रिप्शन में ये आ जाएगी, आपको डालने की जरूरत नहीं होती। यहाँ से आप टाइटल भी ऐड कर सकते हैं ऊपर में, उसके बाद यहाँ पर देखिए टैग भी आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे विजिबिलिटी भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम पब्लिक ऑलरेडी सेट करके रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर गए देखिए एडवांस सेटिंग, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या होगा गाइज, अपने चैनल के कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो आपके चैनल के कैटेगरी क्या है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर देखिए गाइज आपको ये दिख जाएगा कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा चैनल का कैटेगरी है सेंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये मेरा चैनल का कैटेगरी हो गया। तो इसी तरह से आपका चैनल भी जिस भी कैटेगरी में आएगा उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए गाइस सब कैटेगरी आ चुका है यहाँ पे देखिए, है ना। तो इसमें से जो भी कैटेगरी आपका चैनल का रहेगा वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे फोर्थ सेटिंग की तरफ, ठीक है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं वीडियो लैंग्वेज, ठीक है। इस वीडियो लैंग्वेज को आपको यहाँ से हिंदी में सेलेक्ट कर लेना है। जैसे गाइस आप इंडिया से अगर होंगे तो आप यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप अदर कंट्री से होंगे तो आपका जो भी लैंग्वेज होगा गाइस आपके वीडियो का जो भी लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश होगा या हिंदी होगा या फारसी, जो भी आपके वीडियो का लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसलिए गाइस यहाँ पर ये आपको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि गाइस अगर आप जब वीडियो अपलोड कीजिएगा तो आपके वीडियो जिस भी लैंग्वेज यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा उस लैंग्वेज के ऑडियंस के पास पहुँचेंगे और आपके वीडियो पे जल्दी से जल्द व्यूज बढ़ जाएगी क्योंकि उनके पास पहुँचेंगे तो वो क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको अपने वीडियो का लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर ही लेना है, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है सो जितना भी लैंग्वेज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज आपके वीडियो का है। तो जैसे मेरा हिंदी में है, यहाँ पर हम हिंदी डाल दिए, ठीक है। ये हुआ मेरा वीडियो लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किए हैं हम क्योंकि मेरा डिस्क्रिप्शन में भी जो है सो हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिंदी सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा अब जो है ये सारी सेटिंग यहाँ से हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब क्या करना होगा, बैक चलना होगा क्योंकि गाइस यहाँ से जो है सो हमारा ऑल सेटिंग हो चुका है, ठीक है। यहाँ से अब बैक चलेंगे, बैक चलने के बाद अब गाइस करना क्या है, चैनल कस्टमाइजेशन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम ऑलरेडी क्लिक है, यहाँ पे देखिएगा ये चैनल कस्टमाइज हो गया। तो यहाँ पे गाइस आपको करना क्या है, सो पहले यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन है लेआउट, है ना गाइज। इस लेआउट पे आपको क्लिक करना होगा। लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं यहाँ हमारा दो वीडियो ऐड है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, इस तरह से
ऐड करना है वीडियो। तो कौन सा वीडियो यहाँ पर आप ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवेंट सब्सक्राइबर। गाइस इसका मतलब ये हुआ जब आपका चैनल जब भी कोई भी ऑडियंस खोलेंगे मतलब ओपन करेंगे तो यहाँ पे उनको दिख जाएगा ये ऑटोमेटिक वीडियो, सबसे पहले उनके पास चलना स्टार्टिंग हो जाएगा जो भी यहाँ पे आप ट्रेलर में वीडियो डाले होंगे, ठीक है। इससे उनको ये जानकारी मिल जाएगी जो आपके चैनल पे किस कैटेगरी की वीडियो अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो उससे होगा क्या गाइस, वो आदमी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि उनको बहुत ही जल्दी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो वीडियो अपलोड करना है जिस वीडियो पे आपकी सबसे ज़्यादा व्यूज आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है, इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए थ्री बिंदु है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेंज वीडियो है ना, क्या जब हम वीडियो डाल दिए इसलिए यहाँ पर चेंज है, आपके पास अपलोड वीडियो होगा, ठीक है। तो अपलोड पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप अपलोड कर लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर गए सेकंड में जो भी व्यूज होगा जिस सेकंड वीडियो पे, उसको भी यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऐड कर लेना होगा, ठीक है गए। तो यहाँ से ये सेटिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर गए आप देख सकते हैं छठा सेटिंग आपको दिखाते हैं, ब्रांडिंग है ना, इस ब्रांडिंग पर आपको क्लिक करना होगा। ब्रांडिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गए कुछ प्रकार से इंटरफेस आप दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी गए आपको सेटिंग करना होगा, क्या सेटिंग करना होगा। तो यहाँ पर गए सबसे पहले आपको अपने चैनल का आर्ट बना लेना है और आर्ट बना के जो है यहाँ पर ऐड करना है। जैसे यहाँ पर देखिए हम ऐड किए, यहाँ देखिए रिमूव है, ये रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हम चेंज करके जो है दूसरा डाल सके, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी अपने चैनल का आर्ट यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो इसलिए गाइज अगर आप यहाँ पर चैनल आर्ट ऐड करते हैं तो आपके चैनल काफ़ी ऑफिशियल चैनल का चैनल दिखता है, स्मार्ट चैनल दिखता है, और उसके कारण बस आपके चैनल पे जो है व्यूज बढ़ती है और आपके चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चैनल आर्ट ऐड कर लेना है। तो आर्ट अगर गाइज अगर नहीं बना पा रहे हैं आप, तो इस पर हम वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे लेंगे, वहाँ से आप देख के आर्ट बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से गैज बैक चलते हैं। गैज यही था गैज छः सेटिंग, जो अगर ये छः सेटिंग आप कंफर्म रूप से अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो आपके चैनल क्या होगा गैज सर्च लिस्ट में बहुत ही जल्दी आने लगेगी, आपके वीडियो जो है आपके कैटेगरी के ऑडियंस के पास पहुंचने लगेंगी, और उससे होगा क्या गैज आपके वीडियो में व्यूज बढ़ जाएगी। ज्यों ही व्यूज बढ़ेगी तो आपके वीडियो पर इंप्रेशन बढ़ेगी, इंप्रेशन बढ़ेगी तो गैज वायरल होने की संभावना क्यों नहीं रहेगी, कन्फर्म है रहेगी गैज। तो ये सेटिंग सारी आपको कर लेना है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी आपके चैनल ग्रो हो सकती है। तो चलेगा जब यहाँ से बैक चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे, अगर गैज इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे होंगे तो 100% है गैज जो आप ये छह सेटिंग जो गैज है ये जान गए होंगे और समझ गए होंगे और अब अपने चैनल पे बहुत ही अच्छे ढंग से सारी सेटिंग को आप कर सकेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, और थोड़ा भी इस वीडियो से गैज अगर आपको नॉलेज मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे फ्रेंड उनको भी ये लाभ मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको बता दे रहे हैं गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि गाइस इस चैनल पर इस तरह का आपका भाई जो है ना सो हेल्पफुल कंटेंट हमेशा अपलोड करते रहते हैं, और आपको गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करने से जो है ना तो हर एक नया नया अपडेट यूट्यूब के और नया नया सेटिंग वगैरह हर एक चीज आपको जानकारी मिलती रहेगी गाइस। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन करके और पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। फिलहाल गाइस ओके।